23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 ने हम भारतवासियों और पूरी मानव सभ्यता के लिए बड़ी बड़ी खोजें की। फिर वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन की खोज हो या फिर चांद की सतह के तापमान के अंतर की बात हो, ऐसे ही हमारे चंद्रयान 3 ने इतने बड़े बड़े खुलासे किए कि ये खुलासे आने वाली मानव सभ्यता और विज्ञान जगत के लिए बेहद बड़े होंगे। सोने से पहले चंद्रयान 3 की शायद एक खोज का इंतजार हर एक देशवासी के साथ साथ पूरी दुनिया और भारत का विज्ञान जगत कर रहा था। वो था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज। लेकिन ये खोज पूरी नहीं हो सकी। हमारा चंद्रयान 3 इस खोज से पहले ही चांद की सतह पर सो गया। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। चांद पर अब ये खोज पूरी हो चुकी है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पानी बनने की वजह का पता लगा लिया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के डाटा के आधार पर ये पता लगाया है कि चांद पर पानी बनता कैसे है। चांद पर इस वक्त रात हो रही है और हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर गहरी नींद में सो रहे हैं। चांद का तापमान अभी -253 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। अब सोते हुए चंद्रयान ने चांद की सतह पर पानी की खोज कर ली है। लेकिन ये खोज चंद्रयान 3 में नहीं बल्कि चंद्रयान 1 के डाटा के आधार पर की गई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च क्या सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि चांद पर पानी पृथ्वी की वजह से बनता है और इस खोज में कैसे चंद्रयान 1 का डाटा सहायक बना है, चलिए बताते हैं। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा था, इस बात का खुलासा बहुत सालों पहले ही हो चुका है। लेकिन अब एक नई बात सामने आ रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती की वजह से ही चांद पर पानी बन रहा है, क्योंकि यहां से जाने वाले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ही चंद्रमा पर पानी बनाने में मदद कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की प्लाज्मा शीट में हैं, जो मौसमी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, यानी इनके होने से ही पृथ्वी के मौसम में बदलाव होता है। आसान शब्दों में समझें तो चांद पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है, यानी 14 दिन ही यहाँ पर सूरज की रोशनी होती है। जब चांद पर सूरज की रोशनी नहीं होती तो सोलर विंड की बौछार होती है। इसी दौरान पानी बनने का दावा किया गया है। जैसा अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, प्रोटॉन जैसे उच्च ऊर्जा कणों से बनी सौर हवा चंद्रमा की सतह पर बमबारी करती है और माना जाता है कि चंद्रमा पर पानी बनने के प्राथमिक तरीकों में से एक है। ये पूरी स्टडी चंद्रयान 1 के डाटा के आधार पर की गई है। साइंटिस्ट्स का दावा है कि ये इलेक्ट्रॉन चांद पर मौजूद चट्टानों और खनिजों को तोड़ या घोल रहे हैं। इससे चांद के मौसम में भी बदलाव आ रहा है। ये खुलासा अमेरिका के मनोवा में मौजूद हवाई यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। स्टडी में पता चला है कि धरती के चारों तरफ मौजूद प्लाज्मा शीट की वजह से चांद के पत्थर पिघलते या टूटते हैं, खनिजों का निर्माण होता है या वो बाहर आते हैं। इसके अलावा चांद की सतह और वायुमंडल का मौसम भी बदलता रहता है। ये स्टडी हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चांद की सतह पर पानी बन रहा है। चांद पर पानी कहां और कितनी मात्रा में है, ये धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को पता नहीं है, इसलिए चांद पर पानी की उत्पत्ति की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। अगर ये समझ आ जाए कि वहां पर पानी कैसे और कहां मिलेगा या कितनी जल्दी बनाया जा सकता है, तो भविष्य में वहां पर इंसानी बस्ती बसाने में मदद मिलेगी। यानी अगर हमारा चंद्रयान 3 हम सभी भारतवासियों की दुआओं से
22 सितंबर को उठ जाता है तो उसके बाद शायद चंद्रयान 3 चांद पर पानी की खोज करे और हमें ये डाटा दे कि चांद पर पानी कितनी मात्रा में है और कहाँ है। तो ये डाटा पूरे विज्ञान जगत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि यही डाटा भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने और अन्य कार्य करने में सहायक होगा। चंद्रयान 3 से निकले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पानी की पुष्टि कर दी तो फिर दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। अनुमान है कि 3.5 से 4 अरब वर्षों पहले चंद्रमा की सतह पर पर्याप्त वातावरण और तरल पानी रहा होगा, जबकि चंद्रमा के आंतरिक भाग में अधिक गर्म और उच्च दबाव वाले हिस्सों में आज भी तरल पानी हो सकता है। इसे हम चंद्र जल कहते हैं। चंद्र जल से हमारा अभिप्राय चंद्रमा पर मौजूद जल से है। अगर चंद्रयान 3 को चंद्र जल मिला तो ये खोज भविष्य में पूरी दुनिया के लिए बड़े बड़े बदलाव करेगी। चंद्र जल की सहायता से पृथ्वी से रॉकेट ईंधन भेजने के बजाय चंद्रमा पर ही रॉकेट ईंधन बनाया जा सकता है, जो काफी सस्ता होगा। भविष्य में यदि खोजकर्ता पृथ्वी पर लौटना चाहते हैं तो वे अंतरिक्ष वाहनों को संचालित करने के लिए ईंधन के रूप में चंद्रमा पर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी पर वापस आने के बजाय चंद्रमा पर पुनः ईंधन भरने से अंतरिक्ष यात्रा की लागत काफी कम हो जाएगी, जो अंततः अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक किफायती बना देगी। इसके साथ ही चंद्रमा का उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की तस्वीर बदल जाएगी। यानी जो अंतरिक्ष यात्री मंगल या किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे वो चांद पर रुककर विश्राम कर सकते हैं और अपने आगे की यात्रा के लिए फ्यूल ले सकते हैं। चांद का तापमान अभी -253 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है और हमारे देश के चंद्रयान 3 को ये कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है। चंद्रयान 3 को जब स्लीप मोड में डाला गया था तब उसकी बैटरी फुल चार्ज थी और इस सर्दी से बचने के लिए चंद्रयान 3 में कोई रेडियो आइसोटोप हीटर नहीं लगा है, इसलिए इतनी सर्दी की वजह से चंद्रयान 3 की बैटरी खराब होने की संभावना बेहद ज्यादा है। इस वजह से हमारे चंद्रयान 3 को हर एक देशवासी की प्रार्थना की बहुत जरूरत है और हम तो प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान 3 22 सितंबर को वापस से उठकर चांद पर पानी की खोज करें और हम पूरी दुनिया के सामने इतिहास रच दें। आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 22 सितंबर को जागेगा या नहीं और उसके बाद उसको चांद पर पानी मिलेगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।